नमस्कार। अभी इससे पहले मैंने आपको सूत्र नंबर 6 बताया था, जिसमें है मैंने आपको द्विघाते समीकरण के बारे में बताया था। इस सूत्र में मैं आपको त्रिघाते समीकरण के बारे में बताऊंगा कि त्रिघातीय समीकरण कैसे हल करते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसी समीकरण दी है, ये तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये समीकरण देखेंगे और एक अनुमान वाले समीकरण लेंगे जो इसके अनुमान के बराबर हो। जैसे x प्लस 2 का होल क्यूब, ये वाली समीकरण है, ये फॉर्मूला हमने खोला तो देखा हमने x की क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये इक्वेशन इसके कुछ अनुमान इसके कुछ बराबर है, ये हमने अनुमान लगा लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ये इक्वेशन थी हमारी और ये इक्वेशन अनुमान है, इस अनुमान को इसमें से घटा दिया तो क्या होगा, एक्स क्यूब से कट जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब 11 प्लस के हम ये माइनस के 12x, यानी कि 1x बचेगा और 6 और 8 यानी 2 बचेगा, x प्लस 2 हमारा आ गया। अब इस x प्लस 2 को दोनों ओर जोड़ देंगे, हमारी ये इक्वेशन थी इसमें और इधर इसके इक्वल में 0 में, तो x प्लस 2 और ये हमारी इक्वेशन आ गई ऐसे ही, और इधर भी x प्लस 2 जोड़ दिया। अब x प्लस 2 को इसमें यहाँ इस समीकरण में जोड़ देंगे तो x 11x में जुट जाएगा, 12x 2 6 में जुट जाएगा 8। अब ये x प्लस ये हमारा x प्लस 2 की होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब x प्लस 2 को हम y लिख सकते हैं, y लिख दिया ताकि इसको सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब y इधर आएगा, y क्यूब माइनस y इक्वल टू 0। अब y को मना गया आ गया y स्क्वायर माइनस 1। अब इस y का मान ये एक बार 0 के इधर ये इक्वल के इधर जाएगा 0 जाएगा, और एक बार ये y इधर जाएगा 0, और y बराबर हो जाएगा एक बार 1 और एक बार -1। धन्यवाद।